आज हम लोग मुख्यतः देखेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, ठीक है। परफेक्शन आईएएस का वॉल्यूम 6 है, जो कि मई महीने का आपका जो करंट अफेयर्स है वॉल्यूम 6 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आज हम लोग, कल हम लोगों ने बिहार देखा था वॉल्यूम 6 का, आज हम लोग क्या देखेंगे, राष्ट्रीय देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्क्रीन को जूम करने के बाद हम लोग आज का राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का जो भी प्रमुख घटनाक्रम है सबको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखेंगे भारत में स्टीम, भारत में स्टीम में महिलाओं का निम्न प्रतिनिधित्व है, ठीक है। भारत में स्टीम की बात करेंगे, ठीक है। स्टीम में महिलाओं का क्या है, निम्न प्रतिनिधित्व है। स्टीम के अंतर्गत क्या क्या आएगा, ठीक है। एस फॉर साइंस, स्टीम में क्या होगा, एस फॉर साइंस, क्या होगा स्टीम में, एस फॉर साइंस। टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथ, क्या होगा, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ, ठीक है। स्टीम का फुल फॉर्म क्या होगा, साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग और मैथ। में भारतीय शिक्षा जगत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व की बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा कम रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए स्टीम पहल की शुरुआत की गई है। यद्यपि भारत दुनिया में महिला स्टीम स्नातकों का उच्चतम प्रतिशत लगभग 40% तैयार करता है, तथापि देश में स्टीम नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम, मात्र 14% है, ठीक है। यद्यपि दुनिया की बात करेंगे तो दुनिया में महिला स्टीम स्नातकों का उच्चतम प्रतिशत भारत है, लगभग 40% भारत तैयार करता है, तथापि देश में स्टीम नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी की बात करेंगे तो कितनी प्रतिशत है, मात्र 14% है, ठीक है। स्टीम कार्यबल से महिलाओं को धीरे धीरे बाहर होने होने को लीकी पाइपलाइन कहा जाता है, क्या बोलते हैं इनको, स्टीम कार्यबल से महिलाओं के धीरे धीरे बाहर होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लीकी पाइपलाइन, ठीक है। लीकी पाइपलाइन के वजह क्या है, क्या कारण है जो कि महिलाएं जो है स्टीम सब्जेक्ट को नहीं चुन रही है और उस सब्जेक्ट से बाहर हो रही है। तो सबसे बड़ा कारण है, प्रमुख कारण में विवाह है, प्रसव है, पारिवारिक समर्थन की कमी है, लिंग अंध, ठीक है, संस्थागत संरचना आदि शामिल है, ठीक है। विवाह हो जाना, ठीक है, प्रसव मतलब प्रेगनेंसी की इशू, उसके बाद पारिवारिक समर्थन की कमी मतलब फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाना, लिंग अंत, संस्थागत संरचनाएं आदि की शामिल है, ठीक है। आप देखोगे जैसे साइंस में अगर किसी बालिका को पढ़ाई करनी, किसी लड़की को पढ़ाई करनी है तो गांव पे रह के पढ़ाई नहीं कर सकती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करनी, इंजीनियरिंग करनी है तो उसको क्या पड़ेगा, घर से उसको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। घर से बाहर जाने के परिवार में क्या होता है, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, विवाह हो जाती है, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारा रीजन हो सकता है जिनके वजह से मतलब उनका इस स्ट्रीम के प्रति, ठीक है, झुकाव कम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे से 8 सब्जेक्ट को लेकर घर पे भी रह के पढ़ाई कर लेते थोड़ा बहुत मेहनत करके, लेकिन इन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, इसके लिए आपको पूरी तरीके से पारिवारिक समर्थन होना चाहिए, जो कि नहीं मिल पा रहा है भारतीय महिलाओं को, ठीक है, ध्यान रखना। उसका लिंग अंध, लिंग अंध का मतलब क्या होता है, मतलब जेंडर इनइक्वलिटी, मतलब भेदभाव करना, ठीक है। घर में अगर पुरुष है, लड़का है, तो चलो उसको इन सब्जेक्ट के लिए प्रेरित करते हैं। अगर गलती से कोई लड़का अगर आर्ट्स ले लिया तो समाज में ऐसा समझा जाता है कि तुम मतलब ये तो लड़कियों का सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट का भी मतलब सभी लोगों ने लिंग निर्धारण कर दिया है, से आर्ट्स लड़कियां लेगी, लड़के मतलब क्या लेंगे, साइंस लेंगे, ठीक है। इस तरह की मतलब समाज की मनोबल, इस तरह की बात करें समाज की, जो हमारा जो स्ट्रक्चरल जो है, जो गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, उसके वजह से स्टीम जो सब्जेक्ट है उसमें महिलाओं का निम्न प्रतिनिधित्व आपको देखने को मिला। फिर से बता रहा हूँ, स्टीम में क्या होगा, एस फॉर साइंस होता है, टी फॉर टेक्नोलॉजी होता है, ई फॉर इंजीनियरिंग होता है, एम फॉर मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। और ये जो बार बार जो इस सब्जेक्ट में मतलब इनकी जो क्या बोलते हैं, इनका जो पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, रीजन क्या है, उसको बोलते हैं लीकी पाइपलाइन, क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को, लीकी पाइपलाइन। एग्जाम में पूछ सकता है लीकी लीकी पलायन है, ठीक है, लीकी पाइपलाइन बोलना पाइपलाइन है, ठीक है। लीकी पाइपलाइन क्या होता है तो सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखें। आप देखिए पहली बार घर पर मतदान की सुविधा दी गई है, ठीक है, फर्स्ट टाइम घर पर क्या कर रहे गए, मतदान की सुविधा दी गई है। चुनाव आयोग द्वारा पहली बार 2024 के आम चुनाव में घर पर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई, ठीक है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछोगा पहली बार घर पर मतदान की सुविधा कब उपलब्ध कराई गई, तो 2024 के आम चुनाव, आम चुनाव को लोकसभा चुनाव भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखें, क्योंकि क्या होता है पॉपुलर चुनाव होता है, इसलिए इसको आम चुनाव कहते हैं, ठीक है। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन का यह कदम उनके आदर्श वाक्य कोई भी मतदाता पीछे न छूटे के अनुरूप है। होम वोटिंग सुविधा के तहत, ठीक है, मतदान कर्मचारियों को सुरक्षा कर्मियों की पूरी टुकड़ी की भागीदारी के साथ घर से मतदान होता है, मतदान की गोपनीयता को भी बनाए रखा जाता है। तो आप बताओगे तो क्या सबको घर पे मतदान देने की सुविधा दी जाएगी, क्या आप भी चाहोगे घर पे मतदान दे सकते हो, नहीं, इसके लिए कुछ कंडीशंस भी है। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा से इस बार 2024 के आम चुनाव में, ठीक है, मतदान के लिए
होम वोटिंग सुविधा मतलब उपलब्ध कराया गया। कौन से कारण, इसमें से कौन से कारण, इसमें से कौन कौन से कारण शामिल है जो कि जो व्यक्ति होम वोटिंग के लिए पात्र होंगे, मतलब क्या क्या कारण है, ठीक है। तो सबसे पहला कारण होना चाहिए तो 40% विकलांगता होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 40% विकलांगता होनी चाहिए, ठीक है, पहला कारण। या फिर 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, मतलब 85 ईयर्स से अगर अधिक उम्र के जो व्यक्ति है उनको, या फिर 40% बाकी विकलांगता है उनको, मतलब घर से मतलब क्या दिया जाएगा, इसकी मतलब सुविधा दी जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो होम वोटिंग। आप चलेंगे मौसम की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, ठीक है, EWS विकसित करने में 5 देशों को भारत की मदद मिली है। बहुत सुंदर प्रश्न है, नोट कर लीजिए। मौसम की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जिसको क्या बोलते हैं, EWS, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अर्लियर वेदर सिस्टम होगा, ठीक है, आई थिंक, देख लीजिए क्या होगा इसका फुल फॉर्म EWS का। तो मौसम की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को विकसित करने में 5 देशों की भारत की मदद दी गई है, ठीक है। भारत 5 देशों, 5 देश में कौन कौन देश शामिल है, नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मॉरिशस को मौसम की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है, ठीक है। पांचों देश जो है ना भारत के लिए, ठीक है, सर का दर्द है, ठीक है, इसमें पाकिस्तान को भी शामिल, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस, सब की बात करेंगे, सर का दर्द है, ठीक है। इन पांचों देशों का मतलब बात करेंगे, भारत की मदद मिल रही है। क्यों मदद कर रही है? क्योंकि लोग मौसम प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को विकसित करने के लिए, ठीक है, इन देशों को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसमें से इन देशों को चरम मौसम की घटनाओं के कारण जान माल के नुकसान को कम करने के लिए EWS विकसित करने की मदद मिलेगी, ठीक है। EWS क्या होता है? तो मौसम की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है, ठीक है। किस किस देश को मदद मिलेगा? पांचों देश का नाम बताइए, नाम क्या है पांचों देश का? नेपाल, नेपाल, मालदीव, मालदीव, श्रीलंका, श्रीलंका, बांग्लादेश, बांग्लादेश, बिल्कुल, ठीक है। मॉरिशस। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस को भारत मदद कर रहा है ताकि मौसम की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को क्या करे, विकसित करे, ताकि समय पर मौसम संबंधी जानकारी से वो अवगत हो सके, ताकि इन आपदाओं में उनके लिए क्या हो सके, कम से कम नुकसान हो, ठीक है। भारत का यह प्रयास 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी पहल का हिस्सा है। EWS खतरे की निगरानी करेगा, पूर्वानुमान आदि प्रक्रियाओं का एकीकृत प्रणाली जो व्यक्तियों, सरकारों को आपदा जोखिम को कम करने के लिए समय पर कार्रवाई करने की सक्षम बनाती है। सारे आपदा को रोकना हमारे बस की बात नहीं है, किसी आपदा को आप रोक नहीं सकते हो क्योंकि प्रकृति के सामने सबके सब विवश होता है, लेकिन आपदा को कम, आपदा से जो हानि जो होता है उसको कम तो किया जा सकता है ना, कर सकते हैं ना। आपदा को हम रोक नहीं सकते हैं, भूकंप को आने को रोक नहीं सकते, सुनामी को आने को रोक नहीं सकते, लेकिन पहले से अगर हमको जानकारी हो जाएगी तो ऐसा कुछ होने वाला है, सुनामी आने वाला है, 24 घंटे पहले जानकारी मिल जाएगी, तो हम लोग उसको रोक तो नहीं सकते आने से, लेकिन हाँ हम लोग सतर्क रहेंगे, तैयार रहेंगे। तो इससे क्या होगा, नुकसान तो भी होगा लेकिन क्या होगा, कम होगा। इसीलिए EWS जो प्रणाली जो है, जो कि खतरे की निगरानी करेगा, पूर्वानुमान करेगा, पहले आपको जानकारी प्रस्तुत कर देगा, और एकीकृत प्रणाली है जो कि व्यक्तियों को, सरकारों को आपदा जोखिमों को कम करने के लिए समय पर कार्रवाई करने की सक्षम बनाएगी। तो EWS प्रणाली की बात करेंगे तो मौसम की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की बात करेंगे, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस में मतलब क्या किया गया, भारत सरकार की मदद से विकास किया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन को लेकर पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना किया गया है, ठीक है, भ्रामक विज्ञापन का प्रकाशन कर रही थी पतंजलि, ऐसा मानना है, ठीक है, ध्यान में रखें। सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद से संबंधित कंपनी के विज्ञापनों में भ्रामक दावों के मामले की सुनवाई कर रहा है, कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब क्या इसमें भ्रामक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, भ्रामक विज्ञापन ड्रग्स और जादुई उपचार, ठीक है, आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के तरफ निषिद्ध है, ठीक है। 1954 में एक अधिनियम आया था संसद के द्वारा, उसके बाद मतलब क्या किया गया, इसको निषिद्ध कर दिया गया। भाई साहब भ्रामक विज्ञान नहीं कर सकते हैं और जादुई उपचार की प्रचार नहीं कर सकते, ठीक है। अधिनियम की धारा 4 उन विज्ञापनों पर रोक लगाती है जो दवा के वास्तविक चरित्र के बारे में गलत धारणाएं देते हैं, ठीक है। धारा 5 उपचार के लिए जादुई उपचारों के विज्ञापन पर रोक लगाती है। जादुई उपचारों को किसी भी जादू, ताबीज, मंत्र, कवच आदि के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। इसमें निदान, इलाज, शमन आदि के लिए चमत्कारी शक्तियों होने का
ठीक है, आरोप लगाया जाता है, ठीक है। तो इन सब के आधारों पर मतलब पतंजलि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, अवमानना का आरोप लगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगा। अब देखिए क्या निकल कर आता है, इतना फैसला वगैरह अभी क्या होगा, ठीक है। सर माफी मांगने के लिए कहा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, संगीत नाटक अकादमी ने शक्ति पीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव आयोजित किया है, ठीक है। तो संगीत नाटक अकादमी ने शक्ति पीठों में शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजित किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखें, यह त्योहार देश भर में 7 अलग अलग शक्ति पीठों पे किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शक्ति पीठों की संख्या कितनी है? तो शक्ति पीठों की संख्या 51 है, ठीक है। कहते हैं शक्ति पीठ के बारे में, ठीक है, माता सती जो थी, सती नाम था उनका, और शिव जी का जो उनका विवाह हुआ था, तो सती के पिताजी एक बार यज्ञ करते हैं और माता सती को यज्ञ में जाने का बहुत मन होता है, ठीक है, लेकिन आमंत्रण नहीं होता है, लेकिन फिर भी मतलब वो चली जाती है। और चली जब जाती है तो वहां पे जाने के बाद शिव जी को काफी अपमानित किया जाता है। तो उसके बाद वो मतलब क्या होता है, यज्ञ के हवन में कूद जाती है, और उसके बाद जब कूद जाती है तो शिव जी काफी नाराज होते हैं। और उसके बाद सती माता को लेकर जो तांडव करते हैं, तो उनके बॉडी का जो हिस्सा जो 51 स्थानों पर आकर गिरा था, यही 51 स्थान जो है सती माता का शरीर के अंग से जो बना, तो इसको शक्ति पीठ के रूप में जानते हैं, ठीक है। एक शक्ति पीठ जो है आपको पीओके में भी, एक शक्ति पीठ है, ठीक है, जिसको राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले कहकर इस चर्चा में ला दिया था। एक शक्ति पीठ आपको पीओके में है, पाक ऑब्जर्व कश्मीर में भी एक शक्ति पीठ आपको मिलेगी, बिहार में भी शक्ति पीठ है। बिहार में शक्ति पीठ कहाँ है? थावे जो आप लोग जानते हैं, वो आपका शक्ति पीठ ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आप यहाँ पे जाएंगे, अंबुबाची का मेला कहाँ पे लगता है? वो भी शक्ति पीठ ही है, ठीक है। ये सब शक्ति पीठ है। देश में टोटल शक्ति पीठों की संख्या कितनी है? असम में लगता एकावन है है, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। हाँ, तो असम में लगता है, क्या नाम है मंदिर का, नाम क्या है? कामाख्या अंबुबाची मेला, कामाख्या मंदिर है, ठीक है, अंबुबाची के मेला, वो भी शक्ति पीठ ही है, कामाख्या ठीक है। तो टोटल शक्ति पीठ की संख्या कितना है? ठीक है, 51 है। लेकिन इस बार जो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शक्ति पीठों में शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन जो किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये कहाँ पे किया जाए, कितने जगह पे किया गया है, कितने स्थानों पे किया गया है, सात ठीक जगह है। तो पे ध्यान किया रखेंगे, गया है। 7 अलग अलग शक्ति पीठों स्थलों पे मनाया गया है, ठीक है। अब देखेंगे कहाँ कहाँ पे मनाया गया। तो सबसे पहले शक्ति उत्सव का उद्घाटन 9 अप्रैल 2024 को असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में किया गया, ठीक है, ध्यान में, कहाँ पे किया गया। तो शक्ति उत्सव का उद्घाटन की बात करेंगे तो 9 अप्रैल 2024 को कहाँ पे किया गया, असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में, ठीक है। तो पता ही है शक्ति पीठ का निर्माण कैसे हुआ, आप लोग कहानी जानते थे, ये सुने थे ये वाली कहानी, सती माता वाला कहानी, नहीं ये सुना। बेसिक स्टोरी कैसे नहीं आप लोग जानते हैं। अरे शिव भगवान हाँ को जो तांडव रूप सुने, जो था, तांडव रूप में देखिएगा तो यही रीजन था ना, तांडव जो करते गुस्सा में करते तांडव, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे उद्घाटन के बाद निम्नलिखित 7 शक्तिपीठों के महोत्सव का आयोजन किया गया। सबसे पहले कहाँ पे, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में शक्तिपीठ, जहां पर भी शक्तिपीठ होगा माता का मंदिर होगा, ठीक है। महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर महाराष्ट्र में, ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। इस मंदिर से इंपोर्टेंट क्या है, इस मंदिर में हमेशा आग निकलते रहता है, ठीक है। कोई मध्यकालीन शासक का नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद कोई तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक या कोई था, उसने इस आग को बुझाने के लिए बहुत सारे कोशिश किए थे, लेकिन आग मतलब बुझा नहीं, ठीक है। तो ज्वालामुखी मंदिर जो है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, हमेशा आग निकलते रहती है। त्रिपुरी सुंदरी मंदिर उदयपुर त्रिपुरा में है। अंबाजी मंदिर की बात करें बनासकांठा गुजरात में है। जय दुर्गा शक्ति पीठ की बात करें देवघर झारखंड में है। शक्ति पीठ माँ हरसिद्धि मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में है। महोत्सव का समापन 17 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश में उज्जैन स्थित शक्तिपीठ माँ हरसिद्धि मंदिर में संपन्न हुआ। तो इतना प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा से बताओ कितने शक्तिपीठ में आयोजन किया गया था, 7 गो में, ठीक है। उद्घाटन कहाँ से किया गया, तो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी से, ठीक है। समाप्ति किस मंदिर से हुआ, समाप्ति तो हरसिद्धि मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो समापन और समाप्ति का बस याद रखना है, ठीक है, सॉरी समापन समाप्ति तो एक ही बात हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, उद्घाटन है, क्या है ये, यहाँ से क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, ठीक है। और समाप्ति की बात करेंगे, समाप्ति कहाँ से होगा, समापन कहाँ से हो गया, तो हर सिद्धि ध्यान रखेंगे मंदिर। समापन की बात करेंगे तो यहाँ से आपका समापन होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए, याद रहेगा। चलिए अब यहाँ पे कांगड़ा मंदिर कहाँ पे, कांगड़ा शक्तिपीठ मंदिर कहाँ पे, कांगड़ा ज्वालामुखी मंदिर जो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आप देखेंगे एनटीपीसी,
ठीक है, एनटीपीसी के बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण हुआ तैयार। ठीक है, एनटीपीसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी, अपनी प्रमुख कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का अनावरण किया है। ठीक है, जीईएम क्या होता है, बालिका सशक्तिकरण मिशन का उद्देश्य लड़कियों की, ठीक है, कल्पनाओं को पोषित करना और अवसरों का पता लगाने में उनकी क्षमता को बढ़ावा देकर लैंगिक असमानता को क्या करना है, खत्म करना है। ठीक है, अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले जीईएम का नया संस्करण बिजली क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के 42 चिन्हित स्थानों पर समाज के वंचित वर्गों के लगभग 3,000 मेधावी बच्चों को जोड़ेगा। ठीक है, कितने स्थान चिन्हित किए गए एनटीपीसी के द्वारा, कितने स्थान फोर्टी चिन्हित फोर्टी किए गए, टू ठीक है, 42 स्थान है। और कितने बालिकाओं को, मतलब क्या किया जाएगा, ठीक है, मेधावी बच्चों को जोड़ा जाएगा जो कि समाज के वंचित वर्गों से आते हैं, 3,000 बच्चों के। ठीक है, जीईएम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, बालिका मतलब गर्ल्स, ठीक है, मतलब बालिका सशक्तिकरण मिशन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सॉरी, गर्ल्स इंपावरमेंट मिशन होगा, नहीं, ये जो है जीएमआई मतलब गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन को 2018 में केवल 3 स्थानों पर 392 प्रतिभागियों के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, था, अब तब से यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शुरू किया गया था कब, यह 2018 में शुरू किया गया था और उस समय मात्र 3 स्थानों पर शुरू हुआ था, संख्या उस समय कितनी थी, 392 थी। ठीक है, ध्यान रखें, अभी जो है 2024 की बात करेंगे तो 42 स्थानों पर शुरू किया गया, अभी संख्या कितनी हो गई है, तो 3,000 बढ़कर मतलब ये शुरू हो गई। ठीक है, कितने नंबर का है, अच्छा ऐसा कोई नियम नंबर वगैरह नहीं दिया रहा। ठीक है, शुरुआत ध्यान में रखिएगा, 2018 में शुरुआत हुई थी 3 स्थानों पे 392, अभी 2024 में 42 स्थानों पे शुरू रहे, संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 3,000 हो गई। सिंपल शब्दों में देखेंगे तो गर्ल मतलब समाज के वैसे बालिकाओं को इम्पावरमेंट करना है जो कि वंचित वर्गों से है। ठीक है, अब देखें एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं। एनटीपीसी जानते क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। ठीक है, नवरत्न है भारत का। एनटीपीसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी बिजली निर्माण की कंपनी और बिजली मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम है। ठीक है, स्थापना कब होता है एनटीपीसी के, 1975 में स्थापना हुआ। और मुख्यालय आप लोग जानते हैं मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में आपको मुख्यालय। किस विभाग के अधीन काम करती है, बिजली विभाग के अधीन काम करती है एनटीपीसी। ठीक है, बिजली मंत्रालय के अधीन। अब यहाँ पे देखेंगे लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव की घोषणा कर सुविधा पोर्टल की सक्रियता बढ़ गई है। ठीक है, सिंगल विंडो परमिशन सिस्टम कौन सा है, सुविधा पोर्टल। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सी है, सुविधा पोर्टल। ठीक है, लोकसभा चुनाव की घोषणा कर सुविधा पोर्टल पे 73,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। ठीक है, कितने आवेदन प्राप्त हुए, 73,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। ठीक है, और इन आवेदन की बात करें कितने प्रतिशत स्वीकृत हुए, तो 60% स्वीकृत हुए। ये सुविधा पोर्टल किसके लिए है, सुविधा पोर्टल किसके लिए है, ध्यान रखेंगे जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने के लिए, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा सुविधा पोर्टल विकसित किया गया। ठीक है, इससे चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अनुमति और सुविधाओं से अनुरोध प्राप्त करने और उन पर, ठीक है, कार्रवाई करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चुनाव जो लड़ते हैं जो कि कैंडिडेट होते हैं, तो चुनाव अवधि के दौरान सामाजिक दलों और उम्मीदवारों से अनुमति और सुविधाओं के अनुरोध प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। ठीक है, यह रैलियों, हेलीकॉप्टरों, वाहन परमिट, अस्थायी पार्टी कार्यालय आदि के आयोजन की अनुमति प्रदान करता है। यह क्या चीज है, जैसे मान लीजिए सबको रैली करना है, हमको हेलीकॉप्टर से मतलब कहीं जाना है, ठीक है, वाहन का परमिट चाहिए, अस्थायी पार्टी कार्यालय आदि के आयोजन की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, और ये पोर्टल क्या काम करेगा, ये पोर्टल चुनावी खर्चों की जांच करने में भी मदद कर सकता है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में अधिक जवाबदेही, निष्पक्षता का योगदान मिलेगा। ठीक है, तो काफी काम का पोर्टल, ध्यान रखेगा। आपसे पूछा जाएगा सुविधा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ध्यान रखिएगा चुनाव आयोग, किसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा सुविधा पोर्टल। ठीक है, ध्यान रखिए क्या काम करेगा, तो चुनाव को व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए मतलब पोर्टल जो है बहुत काम किए। ठीक है, मतलब किसी को अगर मान लीजिए रैली करना है, मान लीजिए अब रैली तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको मान लीजिए मुजफ्फरपुर के किसी जगह पर रैली करना है, तो क्या परमिशन आपको लेना पड़ेगा, चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा। तो परमिशन लेने के लिए, प्रक्रिया के लिए आप सुविधा पोर्टल का आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, वाहन की परमिट लेनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए सुविधा पोर्टल जो है बहुत बेहतर है। ठीक है, और साथ में चुनावी खर्चों की जांच करने में भी मदद कर सकता है सुविधा पोर्टल। आप चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। ठीक है, आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन के वजह से क्या हो रहा है, लोगों के जीवन पे असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। हाँ, खराब वायु में अगर आप सांस लीजिएगा तो क्या होगा, जीवन वैसे ही मनुष्य का कम हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जो है इसको हेल्थ राइट टू हेल्थ की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट के अधीन माना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 क्या है, तो समानता का अधिकार की बात करती है। 14 से लेकर 18 तक क्या चीज के अधिकार है, समानता का अधिकार है ना। अनुच्छेद 21 की बात करेंगे क्या, तो अनुच्छेद 21 जो है जीवन का अधिकार है। दायरे में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकारों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी गुजरात और राजस्थान में लुप्त प्राय पक्षी प्रजातियों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण से संबंधित एक मामले में फैसला सुनाया। नोट डाउन कीजिए, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लेसर फ्लोरिकन, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला से भाई साहब जलवायु का जो प्रतिकूल प्रभाव जो पड़ रहा है उसके खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार माना। इसमें बोला से 14 आर्टिकल 19 का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, किस मामले में फैसला आया। ठीक है, तो गुजरात और राजस्थान में लुप्त प्राय प्रजाति जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करेंगे, लेसर फ्लोरिकन, ठीक है, दोनों के दोनों पंछी की प्रजाति, इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। ठीक है, दोनों बर्ड्स का नाम क्या है, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन। ठीक है, कहाँ की पंछी है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान गुजरात की और राजस्थान की क्या है, लेसर फ्लोरिकन। ठीक है, आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार का क्या क्या प्रयास है। ठीक है, मेंस के एग्जाम में इसको डाल सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, ठीक है, 1972 को आता है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, कितने तारीख को वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं, वन्य जीव दिवस 23 मार्च 3 मार्च को मनाते, कब मनाते हैं, 3 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण, जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974। ठीक है, जल दिवस कब मनाते हैं, जल दिवस वाटर डे 22 अप्रैल 22 मार्च मार्च 22 मार्च 22 मार्च को मनाते। ठीक है, वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में। ठीक है, जितने भी अधिनियम जो है सब मतलब कहाँ से, संसद के द्वारा पास किया गया, इसलिए सब अधिनियम है। ठीक है, ये सारे अधिनियम क्या होता है, कानून होता है, ये कानून संसद के द्वारा पास है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा, वन जीव संरक्षण अधिनियम बोलिए 1972, जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 74 1974। ठीक है, वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम, 1981 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 राष्ट्रीय हरित न्याधिकरण अधिनियम NGT। 2010 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। NGT जो होता है ना, इसको एक सिविल कोर्ट का बराबर इसका वैल्यू होता है। ठीक है, मतलब जो सिविल न्यायालय जो होता है ना, सिविल कोर्ट जो होता है ना, उसके बराबर इसका अधिकार होता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 2001 में, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं, ठीक है, भारत की सबसे अधिक विफल डोप परीक्षण वाडा, तो विश्व डोपिंग रोडी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे अधिक विफल डोप परीक्षण में रहा है। ठीक है, वाडा का कहना है, से भारत की बात करेंगे, सबसे अधिक विफल डोप परीक्षण में भारत रहा है। ठीक है, तो विश्व डोपिंग रोडी एजेंसी जिसको वाडा कहते हैं, उसकी रिपोर्ट के अनुसार 2000 या उससे अधिक परीक्षणों वाले देशों की तुलना भारत में असफल डोप परीक्षण का प्रतिशत सबसे अधिक दर्ज हुआ। ठीक है, डोपिंग प्रतियोगिताओं के दौरान एथलीटों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए उन पदार्थों या शारीरिक मध्यस्थों का उपयोग है जो आमतौर पर शरीर में मौजूद नहीं होते। अब बोलोगे सर डोपिंग क्या होता है, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को दौड़ दौड़ने जाना है। ठीक है, तो दौड़ने जाना है तो दौड़ने जाने से पहले कुछ ऐसा पदार्थ को खा लेगा, दवा ही खा लेगा, फिर इंजेक्शन ही खा लेगा, जो कि उसको बूस्ट कर देगा उसको एनर्जी को। ठीक है, अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, कुछ दवा खाकर आ रहे हो, आप कुछ मतलब कोई सुई लेकर आ रहे हो, और दूसरा व्यक्ति जो है सामान्य तौर पर नॉर्मली तरीके से आ रहा है, तो खेल में बेईमानी नहीं हो गया, तो उसको बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, मतलब किसी भी तरह का दवा खाना, इंजेक्शन लेना, वो क्या होता है, डोपिंग होता है। तो जब भी मतलब आप जिस खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई भी खेल में जब जाते हो,
या फिर राष्ट्रीय स्तर का भी खेल होता है, डोपिंग टेस्ट होता है। डोपिंग टेस्ट में पास करेंगे तभी आपको खेलने के लिए मैदान पे उतरने का मौका मिलेगा। क्या तरीका है? तो रक्त और रक्त घटकों का हेर फेर होता है, रासायनिक और शारीरिक हेर फेर, जीन डोपिंग, ठीक है, सब के सब कारण है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा भारत के खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देती है, समन्वय और निगरानी करती है। तो भारत में क्या है? नाडा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है? तो वाडा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है? वाडा। राष्ट्रीय स्तर पे क्या है? नाडा। मान लीजिए ओलंपिक में कोई खिलाड़ी जाएगा, ठीक है, तो सामने वाला से मान लीजिए कोई पहलवानी है, अगर मान लीजिए रेसलिंग कर रहा है, और कोई व्यक्ति नॉर्मली आया, कोई व्यक्ति मात्र दवा खा कर आया, फिर किसी भी तरह का इंजेक्शन लेकर लेकर आया है, तो उसपे वो भारी पड़ेगा ना। तो इसे खेल का मतलब खेल भावना को बनाए रखने के लिए और जो समानता को बनाए रखने के लिए डोपिंग टेस्ट किया जाता है। डोपिंग टेस्ट में पास होंगे तभी, अगर डोपिंग टेस्ट में आपने फ्लॉप अगर कर गया, ठीक है, अगर पता चल गया से आपने मतलब किसी इस प्रकार का दवा का सेवन किया है जो कि मतलब प्रतिबंधित है, तो आपको खेलने तो नहीं दिया जाएगा, साथ में आपको कई वर्षों का प्रतिबंध भी आपके ऊपर लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो क्रिकेटर होते हैं या फिर कोई खिलाड़ी जो होते हैं नॉर्मली किसी, ठीक है, दवा का भी सेवन वो नहीं कर सकते, ठीक है। जो उनको सजेशन उन लोग को ऑलरेडी फिक्स होता है, अगर आपको कफ होता है तो आपके लिए इस दवा को खाना है, सर दर्द करता तो इस दवा को खाना है, मतलब ऐसा नहीं से मार्केट में गया जैसे हम लोग जाते हैं कुछ खरीद के खा लेते हैं, वैसा नहीं, बहुत अधिक कंसर्न होना पड़ता है उनको, ठीक है। समुद्री संरक्षण पहल के तहत मुंबई में 120 कृत्रिम चट्टानों की स्थापना हुई, ठीक है। समुद्री संरक्षण पहल के तहत मुंबई में कितने कृत्रिम चट्टानों की स्थापना है? तो 120, ठीक है। कृत्रिम चट्टाने इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप है जिनका उपयोग प्राकृतिक आवासों के पुनर्वास या फिर सुधार के लिए किया जाता है। इन्हें एक निश्चित वैज्ञानिक डिजाइन के साथ समुद्र तल पर रखा जाता है और यह आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह देश की दूसरी कृत्रिम चट्टान है, जो कि पहली कृत्रिम चट्टान पॉन्डिचेरी में स्थापित की गई थी। पहली कृत्रिम चट्टान कहाँ पर स्थापित की गई थी? पॉन्डिचेरी में सर, पॉन्डिचेरी में। दूसरी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान रखें महाराष्ट्र में। कितनी की जा रही है? तो 210, ठीक है, 210 मुंबई में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। कितने वर्ष पुरानी? 5200 5200 वर्ष। आप देखेंगे हरप्पा सभ्यता कब का, हरप्पा सभ्यता का काल कब से कब तक था? 2350 से 1750 के लगभग में ना, ये सब 2350 से 1750 के लगभग में उधर हो गया, तो समझिए 1750 में कितना जोड़ेंगे तो 0 0, मतलब 1750 उधर हो गया, इधर 2400 वर्ष इधर हो गया, तो वही 5000 के आसपास पुरानी है हरप्पा सभ्यता। तो 5200 वर्ष हरप्पा सभ्यता की बस्ती की खोज की गई, कहाँ पे की गई है? कहाँ पे की गई है? ठीक गुजरात के है, कच्छ में, गुजरात गुजरात के कच्छ में की गई, ठीक, कहाँ पे? गुजरात के कच्छ में की गई, ठीक है। और गुजरात के कच्छ में ऑलरेडी हरप्पा सभ्यता के एक स्थल है, कौन सा स्थल है? लोथल सर। लोथल, लोथल गुजरात में, हाँ लोथल ही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे पुरातत्व उत्खनन से कच्छ गुजरात में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्ववीदों ने गुजरात के परताबेट में एक महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती का पता लगा। कौन सा? कच्छ के कौन सा जगह है? जगह का नाम क्या है? परताबेट, पड़ता ठीक है। रेट उत्खनन का नेतृत्व किसने किया? तो प्रोफेसर अभयन, प्रोफेसर अभयन जीएस और राजेश एसवी ने किया। किसने किया? राजेश एसवी और प्रोफेसर जीएस ने, अभियान जीएस ने, ठीक है। इस अभियान ने इस क्षेत्र में प्रारंभिक हड़प्पा बस्तियों के सांस्कृतिक गठन का प्रकाश डालने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य उजागर किए, ठीक है। उत्खनन से लगभग 3200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की हड़प्पा बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। कहाँ पे मिला? तो गुजरात के कच्छ के रण में, ठीक है, गुजरात के कच्छ में मिला है, ध्यान में रखना है। पड़ता और जगह का नाम क्या है? परताबेट, ठीक है। कितनी है परता है? कितनी साल पुरानी है? अप्रोक्स 52 साल पुरानी है, ठीक बावन है। किसने खोज निकाला इसे? तो ध्यान रखेंगे अभयन जीएस, ठीक है, अभयन सौ जीएस और राजेश एसपी ने। क्या है ये लोग? तो केरल विश्वविद्यालय के क्या है? तो आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिकल, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट कह सकते हैं, मतलब वही के आर्कियोलॉजी पुरातत्वविद डिपार्टमेंट हैं। वाले ठीक है, जी सर। अब चलेंगे आगे, ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हल्दीराम को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया, ठीक है। हल्दीराम को क्या किया गया? प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया है, ठीक है।
तो हल्दीराम जो है दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित कर दिया गया। आपको जान के थोड़ा दुख भी होगा कि हल्दीराम अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनने वाला बता। हल्दीराम में बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो है इन्वेस्ट करने की भी कोशिश कर रही है, या फिर हल्दीराम को खरीदने की कोशिश कर रही है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने ट्रेडमार्क अधिनियम, ठीक है, 1999 के संदर्भ में खाद्य पदार्थों, रेस्तरा और भोजनालयों के संबंध में हल्दीराम के साथ साथ ब्रांड के लाल अंडाकार आकार के निशान को प्रसिद्ध चिन्ह घोषित किया है। ठीक है, हल्दीराम का जो ट्रेडमार्क जो होता है ना, कैसा होता है हल्दीराम का ट्रेडमार्क? ठीक है, देखो लाल रंग का होता है, उसको मतलब क्या, प्रसिद्ध हुआ ट्रेडमार्क जो है प्रसिद्ध चिन्ह मतलब घोषित कर दिया है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ट्रेडमार्क अधिनियम कब का है? ट्रेडमार्क अधिनियम जो 1999 का है। ठीक 1999 है, ठीक है, टीएमए, टीएमए सुपरसीड ट्रेडमार्क को एक ऐसे चिन्ह के रूप में परिभाषित करता है जो जनता के एक बड़े वर्ग के रूप में ऐसा बन गया है जो ऐसे सामान का उपयोग करता है, ऐसी सेवाएं प्राप्त करता है कि ऐसे चिन्ह का उपयोग कनेक्शन को इंगित करता है, मतलब पहचान के तौर पर मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप, आपको ध्यान में रखना है टीएमए जो है, ठीक है, ट्रेडमार्क अधिनियम जो है, ट्रेडमार्क एक्ट जो है कब का, 1999 का एक्ट है। ठीक है, भारत चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों का नाम फिर से बदल दिया। ठीक है, अब आते हैं भारत और चीन के साथ जो सीमा जो लगता है उसको हम लोग बोलते हैं एलएसी के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलएसी। ठीक है, एलएसी का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसे चीन के साथ हमारे जो सीमा जो लगता है उसको हम लोग मैक मोहन लाइन कहते हैं। ठीक है, कितने किलोमीटर का सीमा हमारे चीन के साथ लगता है? 4056 नहीं, ये टोटल हो गया ना, वैसे कितना है, 3300 कितना किलोमीटर का है ना, 3388 किलोमीटर। ठीक सर, है, एलओसी कितना या है एलएसी में क्या अंतर होता है? एलओसी या एलएसी? जो एलएसी में क्या अंतर है? लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के साथ है। ठीक तो आखिर बताइए, चीन के है, साथ एलओसी क्यों नहीं नाम दिया गया? नाम क्यों नहीं नाम दिया गया? नाम एलएसी ही नाम है, एलओसी तो बहुत पहले, एलओसी कारगिल वार नहीं के सर, समय में। कारण यह है ना कि जो भारत और पाकिस्तान का जो रेड क्लिफ लाइन है उसमें हम ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं, लेकिन चीन के साथ हम अंदर जा भी उस भारतीय सैनिक जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, इसलिए एलएसी नाम दिया गया। अच्छा, चीन के सीमा में भारतीय सैनिक प्रवेश कर सकता है? बिल्कुल जाते हैं, और वहां के सैनिक भी हमारे यहाँ आते हैं, वहां पे बाड़ नहीं देखो, लगा हुआ म्यांमार है। के साथ होता है, म्यांमार के साथ होता है, 16 किलोमीटर के अंदर बाहर जाना है। ठीक है, उसको एफआरएम क्या बोलते हैं उसको, एफआरएम बोलते हैं, फ्री रीजन मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, म्यांमार के साथ 16 किलोमीटर के साथ है, चीन के सीमा को कैसे आप क्रॉस कर सकते हैं? वो तो ठीक मार्केटिंग है, के लिए किया गया है सर, म्यांमार के ठीक साथ है, जो भी मार्केटिंग के वो लिए किया गया। ठीक है, उसमें हटाइए। चलिए, अब देखिए चीन के सीमा किसके किसके साथ लगता है। ठीक है, लद्दाख के साथ लगता है, हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है, उत्तराखंड के साथ लगता है, ठीक है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है, सिक्किम के साथ लगता है, और किसी के साथ लगता है? नहीं लगता है ना, हिमाचल किधर गया, हिमाचल है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन का सीमा लगता है। आप देखिए, इसके चीन के सीमा को कई हिस्सा में इसको बांटा गया है। ठीक है, जरा समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे वेस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर में आपका लद्दाख आ जाएगा। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर में आपका ध्यान में रखिएगा क्या आता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर में आपका है सिक्किम आता है, मतलब अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल की बात करेंगे, तो चीन 1993 में आधिकारिक तौर पर, ठीक है, एलएसी को बॉर्डर बनवाने पर राजी हुआ। ठीक है, तो चीन 1993 में आधिकारिक तौर पर एलएसी को बॉर्डर बनवाने पर राजी हुआ। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल चीन के साथ है, 1993, याद रखेगा। ठीक है, और ये याद हो गया ना, मतलब किसके किसके साथ हमारी सीमा जो लगती है चीन के साथ, जी लद्दाख, सर, हिमाचल लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक सिक्किम और है, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इतना याद रखिए। आप देखते क्या है, सर, ये चीन द्वारा जो अरुणाचल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो तो ऑक्यूपाई किए हुए है चीन, उसको नाम दिया गया ना, और हम लोगों ने नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नहीं, चीन ने जिसको मतलब ऑक्यूपाई किया उसको मतलब अक्साई चीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, अक्साई अक्साई चीन। चीन। ठीक है, हाँ, अक्साई चीन को 1962 के युद्ध में उसने ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, चीन तो द्वारा ये अरुणाचल जो प्रदेश के जैसे कि 30 स्थानों, मैकमोहन रेखा कहाँ का हुआ और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ का हुआ, दोनों में मैकमोहन रेखा कौन तो सा था? बहुत पहले से था ना, मैकमोहन लाइन तो बहुत पहले से था। ठीक है, 1993 में इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का हो दिया गया। मैकमोहन लाइन अच्छा, तो इसी को मैकमोहन लाइन कहा। 1914 में जब शिमला समझौता हुआ था, शिमला में एक समझौता हुआ था 1914 में, तो तिब्बत के साथ हमारा हुआ था मैकमोहन लाइन। ठीक है,
उस समय तिब्बत फ्री कंट्री था, ठीक है। अब यही मैकमोहन लाइन को चीन जो है सो नहीं मानता, उसका कहना है 1914 में जिस समय आपने हमारे ऊपर जो थोपा था उस समय तो हम फ्री नहीं थे, ठीक है। ये तिब्बत के साथ समझौता है, ठीक है। चीन का इसमें कुछ उपलब्धि नहीं था, इसमें ब्रिटिश इंडिया के साथ था। तो फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर 1993 में था ये, ठीक है। ये मैकमोहन लाइन बहुत पहले 1914 में ही आ गया था, ठीक है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कितने स्थानों का नाम बदल दिया गया, स्थानों ठीक है, 30 स्थानों का, ठीक है। अब विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कहा सर अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता है। क्या बोलता है वो, दक्षिण तिब्बत कहता है, ठीक है, ठीक तब है। ये तो मतलब तिब्बत के ऊपर तो उसने अधिकार कर ही रखा है, और उसके वही बाद तब उसको दक्षिणी दक्षिण तिब्बत तिब्बत के नाम जो से है जानता है, अरुणाचल ठीक है। प्रदेश को भी कब्जा कर रहा है। हाँ, और वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच में विभाजन रेखा है। भारत और चीन के बीच से सीमा का औपचारिक रूप से सीमांकन नहीं किया गया और इस पर कोई पारस्परिक सहमति भी नहीं है, ठीक है। भारत LAC, ठीक है, भारत LAC को 3488 किलोमीटर लंबा मानता है, जबकि इसे लगभग 2000 किलोमीटर ही मानता है, ठीक है। जबकि चीन इसको कितना मानता है, 2000 किलोमीटर मानता है। भारत कितना मानता है, 3488 किलोमीटर, ठीक है। सारा सीमा जो है भारत का किसके साथ कितना सीमा है आपको याद है ना, नेपाल के साथ कितना किलोमीटर है, भारत और नेपाल के साथ सीमा की लंबाई कितनी है, भूटान 1791 किलोमीटर है, ठीक है, 1751, ठीक है। इसके साथ भूटान के साथ 699 किलोमीटर है, ठीक है। म्यांमार के साथ कितनी है, 1643 किलोमीटर है, ठीक है। चीन के साथ कितना है, 3488 किलोमीटर है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ कितना है, 4096 किलोमीटर है, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ कितना है, 2300, और पाकिस्तान के साथ मैं भूल गया, याद नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिए, ठीक है। पाकिस्तान के साथ 2333 है साहब, ऐसा ही कुछ है, देखिए थे कितना पाकिस्तान के साथ। अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करता है, चीन बोलता है अरुणाचल प्रदेश जो है स्वायत्त क्षेत्र है, फ्री सेंटर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, क्लियर हो गया सब कुछ, इस क्षेत्र में LAC, देखे यहाँ पे, देखे मैंने बताया शिमला कन्वेंशन 1914 में, शिमला कन्वेंशन ब्रिटिश इंडिया और चीन के तिब्बत के बीच में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जिस समय 1914 में जो तिब्बत का साथ जो सीमा जो लगता था, ठीक है, जो तिब्बत तो डेट टाइम स्वतंत्र था, तिब्बत कब गुलाम बनता, 1958, 1958 57 के आसपास तिब्बत में मतलब क्या होता है, चीन का आक्रमण हो जाता था। उन्नीस हाँ सौ वही उनसठ में जब चीन ने 58, तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। हाँ 58 59 के आसपास उसी समय हुआ था, लेकिन शिमला समझौता आपका 1914 में हो गया था। डेट टाइम तिब्बत क्या था, तो डेट टाइम तिब्बत की बात करेंगे, उस समय तिब्बत जो था क्या था आपका, स्वतंत्र था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस दौरान मैकमोहन रेखा के साथ मतलब रेखा खींची गई, इस सीमा को मतलब जो है चीन नहीं मानता है, ठीक है। अब आप 1948 में किसकी सरकार बनी थी, ठीक है, 1948 में जब हम माओ की सरकार जब बनती है, ठीक है, मतलब 1948 49 48 में एक्चुअली में बन गई थी, 1949 में जो कम्युनिस्ट पार्टी चीन ने सत्ता संभाली, तो इस अंतर्राष्ट्रीय समझौता से हाथ खींच लिया, और उसका कहना था कि ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता मेरे साथ नहीं होता, तिब्बत के साथ हुआ था, ठीक है। वर्तमान में भारत 43,180 वर्ग किलोमीटर के भूमि पर चीन का कब्जा है, ठीक है, जिसको हम लोग अक्षाई चीन के नाम से जानते हैं, जो कि 1962 के युद्ध के दौरान हत्या लिया गया था, ठीक है। चलिए, CGHM लाभार्थी ID को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ID से जोड़ा गया, ठीक है। CGHS, ठीक है, CGHS लाभार्थी ID को आयुष्मान भारत, ठीक है, स्वास्थ्य खाता ID से जोड़ा गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ठीक है, 1 अप्रैल से, ठीक है, CGHS लाभार्थी ID का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ID से जोड़ना मतलब क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। अब CGHS का फुल फॉर्म क्या होता है बताएंगे जरा, पता है कि नहीं को? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। बिल्कुल, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होता है CGHS का, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लिख देता है तो क्या दिक्कत होती है। इस कदम का उद्देश्य क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लाभार्थियों के डिजिटल स्वास्थ्य पहचान करना और उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को मतलब संग्रहित करना है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लाभार्थी के जो ID जो होगा उसको किससे जोड़ना है, तो आयुष्मान भारत से जोड़ना है, ठीक है। इसके लिए मतलब किस तारीख को मतलब, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, किस तारीख को मतलब चुना गया, 1 अप्रैल से, कब से, 1 अप्रैल से, ठीक है। आभा की बात करेंगे तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत, ठीक है, 14 अंकों की विशिष्ट स्वास्थ्य पहचानकर्ता संख्या आप लोग के पास भी होगा ना, आयुष्मान भारत वाला है ना, आप लोग 14 अंक का होता है ना,
एक विशिष्ट संख्या होता है। यह आईडी आपको भारत के डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम में एक भागीदार के रूप में पहचानती है, जिसे पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के द्वारा स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पे सीजीएचएस आईडी को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी से मतलब क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, इसको क्या बोलते हैं, एबीएचए बोलते हैं। ठीक है, आयुष्मान आयुष्मान भारत, ठीक है, हेल्थ अकाउंट आयुष्मान क्या भारत होता है हेल्थ इसका, अकाउंट, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, क्या क्या हाँ शब्द दिया रहता है, इसको किससे कनेक्ट करना है। आधा हाँ बोलते हैं इसको ऐसे, आधा ठीक भी बोल है, सकते हैं इसको। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को किससे कनेक्ट करना है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से। ठीक है, कितने अंकों का होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो होता है, कितने अंकों का होता है, विशिष्ट मतलब क्या होता है, एक डिजिटल डाटा बात करें, कितने अंकों का होता है, कितने अंकों का आईडी है, ये 14 अंकों का, चौदह कितने अंकों का आईडी है, 14 अंकों का आईडी है। ठीक है, चुनाव आयोग ने मिथक बनाने वास्तविकता रजिस्टर लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, मिथ वर्सेज, ठीक है, रियलिटी रजिस्टर, किसने लॉन्च किया है, मिथ वर्सेज, मिथक बनाम वास्तविकता रजिस्टर को किसने लॉन्च किया है, तो चुनाव आयोग ने लॉन्च किया, किसने, चुनाव आयोग ने इसे क्या किया है, तो लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, जो चुनाव आयोग ने आम चुनाव 2024 में गलत सूचना के प्रसार से निपटने के लिए मिथक बनाम वास्तविकता रजिस्टर को मतलब क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, यह एक क्लिक पर आसान प्रारूप में विश्वसनीय और प्रमाणित चुनाव संबंधी जानकारी के लिए नॉन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग जानकारी के स्थापित करने, गलत सूचना को प्रसार से रोकने, मिथकों से दूर रहने, आम चुनावों के दौरान प्रमुख मुद्दों के बारे में सूचित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह रजिस्टर पहले ही सार्वजनिक कर चुकी चुनाव संबंधी फर्जी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले संभावित मिथक उपलब्ध कराता है। रजिस्टर को नियमित आधार पर मतलब क्या किया जाता है, अद्यतन किया जाता है, मतलब समय समय पर इसकी जांच भी की जाती है। ठीक है, यह चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो चलिए चुनाव आयोग एक्शन में है, क्योंकि चुनाव का समय है। गृह मंत्रालय ने, ठीक है, एफसीआर पंजीकृत एनजीओ की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है। ठीक है, ध्यान रखिए, गृह मंत्रालय ने एफसीआरए, ठीक है, पंजीकृत एनजीओ की वैधता को कितने महीने, कितने तारीख तक बढ़ा दी है, 30 जून तक बढ़ा दी है। ठीक है, गृह मंत्रालय के होम मिनिस्ट्री ने एनजीओ के विदेशी योगदान विनियम अधिनियम परीक्षण की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है। सभी एफसीआर पंजीकृत एनजीओ की वैधता बढ़ा दी गई है, जिसके नवीनीकरण आवेदन अभी भी विचाराधीन है और जिनकी वैधता 30 जून से पहले समाप्त हो रही है। ठीक है, जो गैर सरकारी संगठन विदेशी दान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गृह मंत्रालय के साथ पंजीकृत होना होगा। अब एनजीओ में क्या हो रहा था, बहुत सारे विदेशों से पैसा आ रहा था, ठीक है, और वो विदेशों से पैसा जो एनजीओ में जो आ रहा था, उन पैसों का प्रयोग होता भारत विरोधी गतिविधि में हो रहा था, इसलिए गृह मंत्रालय ने सब पे मतलब लगाम कस लिया कि भाई साहब, आपको अब एनजीओ में विदेश से पैसा लेना तो हमारे साथ पंजीकृत करो, आपका जो विदेशों से जो पैसा जो होगा उस पैसा की जांच होगी, फिर वो पैसा आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये सरकार के द्वारा उठाएगा बहुत ही बेहतरीन कमी बहुत ही बेहतरीन कदम है, क्योंकि विदेशों से बहुत सारे पैसा जो आ रहा था एनजीओ के पास, उन सारे पैसों का, ठीक है, भारत विरोधी गतिविधि में प्रयोग में किया जा रहा था, जैसे सीए और एनआरसी का जो मुद्दा जो उठा था, ठीक है, उसमें बहुत अधिक फंडिंग विदेश से किया जाया गया था, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, जिसका उपयोग भारत की एकता को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए गृह मंत्रालय ने इनके ऊपर क्या किया, पाबंदी लगाई है। पंजीकरण 5 वर्षों के लिए वैध और नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है, मतलब गृह मंत्रालय के साथ पंजीकृत होना पड़ेगा, जितने भी एनजीओ है जो कि फॉरेन फंड को मतलब क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, उसको गृह मंत्रालय के साथ पंजीकरण करना होगा, और पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होगा, तो 5 वर्षों के लिए वैध होगा। ठीक है, और साथ में नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है, जब 5 वर्ष जब पूरा हो जाए तो फिर से आप आवेदन करके फिर से उसको नवीनीकरण करवा लीजिए। इसके अनुसार चुनाव के लिए उम्मीदवार समाचार पत्र के संपादन प्रकाशन न्यायाधीशों सरकारी कर्मचारियों आदि को विदेशी दान प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे किसको किसको प्रतिबंधित किया जाएगा, बहुत सारे चुनावों को, बहुत सारे उम्मीदवारों को भी विदेश से पैसा आता है चुनाव प्रचार करने के लिए, समाचार पत्र के संपादक या प्रकाशक को भी पैसा आता है। अब मान लीजिए समाचार पत्र को कोई विदेशी कंपनी फंड कर रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी कुछ ऐसे चीज लिखेगी जो कि हो सकता है वर्तमान सरकार के खिलाफ हो, भारत के खिलाफ हो, भारत के एकता अखंडता के खिलाफ हो, कुछ ऐसी बात अखबार में छपा जाए। ठीक है, तो इन सब चीज पे मतलब प्रतिबंधित करने के लिए मतलब ये काम किया गया, न्यायाधीश सरकारी कर्मचारी आदि को विदेशी दान प्राप्त करने से पहले प्रतिबंधित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसको एडीआर के नाम से जानते हैं, यह हमेशा चुनाव संबंधी जानकारी आपको क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो एडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसके अनुसार अब ये डाटा जो निकल कर रहा है चुनाव से पहले,
44% मौजूदा सांसदों पर आपराधिक आरोप है। मतलब अभी जो संसद जो है उसमें 100 में से 44 सांसद जो है जिनके ऊपर क्या है आपराधिक आरोप है, और 5% जो उनमें जो है अरबपति है, करोड़पति भी नहीं अरबपति, डेट में उनके पास संपत्ति जो है ठीक है 100 करोड़ से अधिक की मतलब क्या है संपत्ति है ठीक है आपराधिक मामलों में, ठीक है आपराधिक मामलों का सामना करने वाले 50% सांसद की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश से आते हैं, ठीक है। तो आपराधिक मामलों का सामना करने वाले 50% सांसदों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश से आते हैं, ठीक है। आपराधिक आरोपों वाले ठीक है मौजूदा सांसदों में से 29% गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे, टोटल तो 44% है, उसमें से 29% के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। और गंभीर आपराधिक मामले में किस तरह के मामले, जैसे हत्या, हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि के आरोप मतलब क्या है शामिल है। राजनीतिक अपराधिकरण के सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो कुछ केस है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। राजनीतिक अपराधिकरण पर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो लिली थॉमस बनाम ठीक है UOI ठीक है यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है क्या बोलते हैं लिली थॉमस बनाम भारत संघ या फिर यूनियन ऑफ इंडिया कह लीजिए, ठीक है। न्यूनतम 2 वर्ष कारावास की सजा वाले अपराध के दोषी संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए किनको भी अगर 2 वर्ष की सजा अगर उनको हो जाती है तो वैसा कोई सा वैसा मतलब जो वैसा जो व्यक्ति होगा वो मतलब संसद या राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे, ठीक है ध्यान में रखना है। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 की केस है, किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल आपराधिक आरोप तय होने पर उसे विधायी निकाय की सदस्यता से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। तो ये दोनों केस एक दूसरे का मतलब विपरीत है, एक तो कहता है कारावास की सजा वाले अपराध के दोषी संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होंगे लेकिन कम से कम 2 वर्ष की सजा होनी चाहिए, लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस कब आती है 2013 का केस है। फिर पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम यूओआई की बात करेंगे मतलब यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं 2018 की केस है, किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल आपराधिक आरोप तय होने पर उसे विधायी निकाय की सदस्यता से आयोग नहीं ठहराया जा सकता है, ठीक है ध्यान रखेंगे दोनों केस इंपोर्टेंट है। आस्था की बात करेंगे, ठीक है आस्था का फुल फॉर्म बता सकते क्या होता है, आस्था का फुल फॉर्म क्या होता एग्रीगेटेड सोशल वेल्थ एक्टिविटीज, है? हाँ? नहीं, वो एग्रीगेटेड नहीं होता, कौन आशा जो कर्ज करता है वही ना, स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं, होता आसपा आसपा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर होता है, है। आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट होता है। हाँ ठीक है, कहाँ पे लगा हुआ केंद्र, नागालैंड में विस्तार किया गया, ठीक है आसपा का विस्तार कहाँ पे किया गया है नागालैंड में किया गया है, ठीक है। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम आसपा नागालैंड के कुछ जिलों और पुलिस थाना क्षेत्रों में कई वर्षों से लागू है, इसे समय समय पर मतलब बढ़ाया जाता है, ठीक है। एक अधिसूचना में 5 अन्य जिलों के ठीक है 21 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2024 से 6 महीने तक की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। जो क्षेत्र अशांत होता है वहां पे आसपा लगता है, ठीक है, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता तब तक ये क्षेत्र अशांत घोषित रहेगा, ठीक है। तो किस राज्यों में आसपा का विस्तार किया गया, आसपा का विस्तार किया गया किस राज्यों में, तो नागालैंड में। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, सशस्त्र बल ठीक है अधिनियम, विशेष शक्ति अधिनियम जो होता है यह एक संसदीय अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों और राज्य को अर्धसैनिक बलों का अशांत क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र में विशेष शक्तियां प्रदान करता है। विशेष शक्तियां क्या होगा, विशेष शक्तियां होगा कभी भी घर की जांच कर सकता है ये लोग, ठीक है, यहाँ तक कि गोली चलाने का भी अधिकार होता है, ठीक है, मतलब गोली तक भी मतलब मारने का मतलब इनके पास क्या होता है अधिकार होता है, ठीक है। नगाओं के विद्रोह से निपटने के लिए कानून पहली बार कब लागू किया गया, 1958 में लागू हुआ था, कब लागू हुआ था तो 1951 में, 1958 में सॉरी, आसपा को लागू किया गया था। अधिनियम को वर्ष 1972 में संशोधित किया गया था, और किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की शक्तियां राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गई, ठीक है, मतलब किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है, राज्य के साथ पास है, ठीक है, साथ में किसके पास है तो केंद्र सरकार के पास है, दोनों के पास है, ठीक है। राज्य सरकार भी देखिएगा धारा 144 लगा देती नहीं, कुछ क्षेत्रों में बोलती है क्षेत्र अशांत घोषित किया गया है, और जब वो क्षेत्र अशांत घोषित हो जाएगा तो वहां पे लोगों का ठीक है फ्री मूविंग मतलब प्रतिबंधित हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को देखिएगा कभी कभी नेता लोग क्या होता है ना, कोई क्षेत्र पे धारा 144 लगा रहता, कोई घटना हो गई रहती है तो वहां पे नेता को जाने से रोका जाता है। तो आप क्या बोलते हो भाई, कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में भ्रमण करना तो हमारे क्या फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है,
लेकिन आसपास जहां पे लगा हुआ है या फिर कोई क्षेत्र अशांत घोषित है, उन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि उनके जाने से पब्लिक हारमोनी या फिर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में फंडामेंटल राइट का भी हनन होता है। दूसरी बात, जिन क्षेत्रों में आसपास लगा हुआ है उस समय किसी भी व्यक्ति को अब चेक किया जा सकता है, उनके घर को चेक किया जा सकता है, या फिर उनको वार्निंग देने के बाद अगर मान लीजिए डाउट अगर होगा तो गोली मारने तक की मतलब सख्ती होती है। ठीक है, एक तरह का मिलिट्री रूल होता है, लेकिन आसपास पूरे राज्य में भी लागू हो सकता है, किसी विशेष क्षेत्र में भी लागू हो सकता है। ठीक है, और इसके हमारे इसमें आर्मी के पास क्या पावर होगा, सशस्त्र बल के पास क्या पावर होगा, इसके बारे में संविधान में चर्चा नहीं की गई। ठीक है, संविधान में इसके बारे में चर्चा आपको मुख्यतः नहीं देखने को मिलती है, ये मतलब मुख्यतः डिसाइडेड होता है, लेकिन इसके बारे में कहीं लिखित रूप से जानकारी नहीं है। ठीक है, त्रिपुरा ने 2015 के अधिनियम को निरस्त कर दिया तथा मेघालय 27 वर्षों के लिए आसपा के अधीन था, जब तक इसे 1 अप्रैल 2018 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा निरस्त नहीं किया गया। वर्तमान में आसपा कहाँ कहाँ पे है, असम में है, नागालैंड में, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। कहाँ कहाँ पे है, असम, नागालैंड, नागालैंड मणिपुर और अरुणाचल में आसपा लागू है अभी। ठीक है, अभी नागालैंड में तो विस्तार किया गया। ठीक है, कहाँ पे इसको हटा दिया गया है, तो त्रिपुरा में वर्ष 2015 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया तथा मेघालय 27 वर्षों के लिए आसपा का अधीन था जब तक इसे, ठीक है, अप्रैल 2018 में हटा नहीं दिया गया। ठीक है, ध्यान रखते, त्रिपुरा मेघालय में तो हट गया है, लेकिन फिलहाल असम में, नागालैंड में, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में लगा हुआ है। ठीक है, अब मिलिट्री लॉ के बारे में बात करेंगे, आसपा वगैरह जो लगता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगता है, आर्टिकल्स क्या है, 34 कौन सा है, वेरी गुड। ठीक है, 34 कौन सा, 34 अनुच्छेद, हाँ ठीक है, अनुच्छेद 34। ठीक है, ध्यान रखिए, आपकी आवाज आ जाती है, ठीक है, रात का समय है, धीरे से बोलिए, लग रहा है कान में जैसे किसी ब्लास्ट हो जा रहा है। ठीक है, 34, ठीक है, कितना हो गया, 34। तो अगर आपसे पूछा जाएगा फंडामेंटल राइट के बारे में, तो फंडामेंटल राइट अगर बात करेंगे तो 14 से लेकर 32 तक ही है। ठीक है, क्योंकि 13 में क्या है, डिफिनेशन है, आप 32 में क्या होगा, आपको रिट जारी करता है, और 33, 34, 35 की बात करेंगे तो किसी भी प्रकार का राइट नहीं है। ठीक है, तो मूल रूप से फंडामेंटल राइट 14 से 32 तक की चर्चा की गई है। ठीक है, और 34 में क्या है, तो 34 में आप तो जानते ही क्या है, तो यहाँ पे मिलिट्री रूल के बारे में बताएगा, मिलिट्री के क्या मतलब, तो कोई विशेष अशांत क्षेत्र होंगे तो वहां पे मिलिट्री लॉ जो लगेगा उसके क्या नियम हो सकते हैं, वो सब जानकारी दिया हुआ है। ठीक है, तो आज तक हम लोग यहीं पे इसको सीमित रखेंगे, कल हम लोग देखेंगे 19 नंबर से, देखेंगे कितना क्वेश्चन इसमें रह गया, अभी अभी काफी है ना, हाँ, तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे 19 के बाद, कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, 18 क्वेश्चन करवा दिए है ना, बाकी कल के क्लास में हम लोग इसको देखेंगे।